एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में ईएमएफ क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि करंट आगे होता है, सॉल्व करके कॉस आ गया। अब पिछले एक्सप्रेशन में इंडक्टर वाले और कैपेसिटर वाले में क्या फ़र्क है, सिर्फ माइनस का। इंडक्टर में करंट माइनस था, कैपेसिटर में करंट प्लस है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। स्टेप तो सेम ही है, वही ई इन टू वाई कर लो, डी टी राइट पर ले जाओ, सेम स्टेप, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर लो, अगेन सेम स्टेप, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो कैपेसिटर के अंदर भी एवरेज पावर की वैल्यू क्या रहती है, जीरो।